नाम किन्नू राजभर है, ग्राम सभा गाढ़ा का मैं मतलब प्रधान हूँ निवर्तमान। और राजनीति में आप कब से? राजनीति में तो देखिए, हमारे मूलतः हमारे बड़े भाई हैं जिनका नाम मतलब विजय राजभर है, और मैं उनसे कुछ राजनीति सीखा हूँ। और सन 2010 से काफ़ी मैं इसमें सक्रिय रहा हूँ राजनीति में। जी जी, क्या सोच कर आप राजनीति में आए हैं? सोच के कुछ लोग आते हैं व्यवसायीकरण के लिए जी, और कुछ लोग समाज सेवा के लिए आते हैं जी। ऐसा है कि मेरा उद्देश्य जो है समाज सेवा है, और अब तक जो सरकार की सारी योजनाएं हैं जिन तक नहीं पहुंची हैं, जिन तक मतलब पहुंचना चाहिए, मैं हर संभव प्रयास किया हूं कि उस पात्र व्यक्ति तक वो उस योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिले। गांव का आप 5 साल प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जी जी, गांव में प्रमुख रूप से आपने क्या क्या विकास कार्य? प्रमुख रूप से सर, हमारे यहाँ जो मलिन बस्तियाँ थीं, मैंने उन मतलब मलिन बस्तियों में सबसे पहले तो मतलब पानी की निकासी नहीं थी और बहुत ज़्यादा गंदगी थी। रोज़ आए दिन मतलब बस्तियों में मतलब झगड़ा प्रसाद होते थे। सबसे पहले सर पानी निकासी की मैंने मतलब व्यवस्था कराया, और उसके बाद आने जाने के लिए RCC इंटरलॉकिंग की व्यवस्था किया पूरे ग्राम सभा में, और लगभग 385 तो शौचालयों का निर्माण कराया। लगभग 600 से ऊपर हमारे यहाँ राशन कार्ड का भी मैंने मतलब उसका निर्माण करवाया जो मतलब पात्र व्यक्ति हैं। और इसके अलावा मतलब पेंशन हुआ, उसमें मतलब वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और सारी जो भी योजनाएं मतलब सरकार की तरफ से थी, मैंने उन्हें मतलब उस पात्र व्यक्ति तक मतलब पहुंचाने का कार्य किया। गांव में आपने कितने पात्रों को आवास दिए? लगभग अब तक 43 लोगों का, जिनको छत कभी ये लग रहा था कि नहीं मुहैया होगा। इसके पहले बहुत सारे लोग थे, लेकिन कभी भी उनको आज तक उनको आस जगी थी कि सरकार हमको भी एक छत दे दे, लेकिन मैंने प्रयास करके उनको छत देने का कार्य किया। 2020 बीता हुआ वर्ष जी एक बुरा जी सपना की तरह है जी, वैसा बुरा कभी भी नहीं आएगा। पूरे विश्व के लिए एक खतरा था जी, महामारी की वजह से कोरोना जी। उस दौरान परदेशों से काफ़ी लोग जी बेरोजगार होकर घर लौटे हैं जी, उनके लिए आपने क्या किया? सर, जो भी बाहर से इस कोरोना काल में आए, मैंने सबसे पहले तो सर उनको मतलब कैसे रहा जाए, कोरोना में कैसे कोरोना से बचा जाए, मैंने इसके लिए कार्य किया जो भी होना मतलब संभव था सर। उसके बाद मैंने उनको गांव का सेंट्रलाइज कराना या जो गंदगी है दूर अपने सफाई कर्मियों को लेके कराना, उनके मतलब मनरेगा के द्वारा उनको रोजी रोटी देना, ये सारी व्यवस्थाएं हमने। गांव में कितने विद्यालय? सर, विद्यालय में हमारे यहाँ तो एक प्राथमिक विद्यालय है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है, फिर एक और प्राथमिक विद्यालय जो जोगापुर में पड़ता है, और एक कस्तूरबा विद्यालय है सर हमारे यहाँ, और एक उच्च मतलब जूनियर ये हमारे यहाँ मतलब हाई स्कूल है जो विद्यालय के लिए आपने क्या किया? सर, विद्यालय में तो जो भी मतलब कायाकल्प की तरह जो भी काम किया गया मैंने सर छोड़ा नहीं। हमारे यहाँ मतलब बाउंड्री वाल नहीं थी, जो बच्चे आते थे मतलब विद्यालय की जो मतलब क्षति पहुँचाते थे, और इसके बाद मतलब बच्चों के लिए मतलब न तो ठीक से मतलब ये शौचालय था सर, और मतलब न तो ये जल की व्यवस्था थी, ये सब सारा काम किया सर हमने। आंगनबाड़ी आपने बनवाया? जी जी, आंगनबाड़ी कर सामुदायिक शौचालय आपने? जी जी जी, सामुदायिक शौचालय बनाया, आंगनबाड़ी बनाया सर, मतलब विद्यालय का मतलब कायाकल्प किए, मतलब जो भी मतलब सरकार की तरफ से मतलब धन आया, और पूरी ईमानदारी और मतलब लगन के साथ सर काम कराए। क्या आगे भी आप राजनीति में सक्रिय रहेंगे? जी चाहेंगे सर, चाहेंगे कि राजनीति में मतलब सक्रिय रहें और मतलब ग्रामवासियों का आशीर्वाद मिले। आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है जी, चुनाव आने वाले हैं जी, बहुत जल्द चुनाव हो जाएंगे जी जी, इसमें आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, यही कहेंगे कि जो भी मतलब तुलना कर ले मतलब पिछले मतलब कार्यों का और हमारे कार्यों का, और जो भी जनता निर्णय देगी मैं उसका स्वागत करूंगा। जनता चाहे जिसको भी चुने जी 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 जी, विकास करना मतलब जो भी काम करे उसको जनता चुने, बस हमें यही कहेंगे इसके बारे में। धन्यवाद।